कैसे निकलेंगे, निकलना कैसे होता? जिस शरीर को आप देखते हैं कहते मेरा शरीर है, इस शरीर में हम हैं, कहते कि मेरा शरीर है, कोई नहीं कहते कि मैं शरीर हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है। इस शरीर में हम हैं, शरीर में जैसे आप कहते हैं मेरा मकान है, तो कितना ही आरामदेह मकान हो, उस मकान में जीवन भर बंद होकर के रहना चाहेंगे, जीवन भर बंद होकर के रहने में उसका अनुभव नहीं हो, कोई रहना नहीं चाहेंगे। आप मकान में आते हैं, निकलते हैं, नहीं भी काम धना घूम फिर करके फिर आ जाते हैं। इस शरीर से क्या अभी तक एक बार भी निकल पाए हैं? निकल नहीं नहीं सकते। जब भी इसी शरीर में नौ द्वार है, बाहर में हम लोग प्रत्यक्ष में देखते हैं, दो आँख है, दो कान है, दो नाक का छिद्र है, छ हुआ, एक मुंह, सात मलमूत्र त्याग ले कर, ये नौ द्वार सबके शरीर में, ये नौ द्वार है। लेकिन नौ द्वार होते हुए भी इस शरीर से अभी निकलने का हम अपने आप समर्थ नहीं है, अपने आप समर्थ नहीं है, लेकिन निकलना तो पड़ता है। चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वास, निश्चित रूप से ये में एक दिन निकलना पड़ेगा। इसमें संशय वाली बात नहीं, बाहरी काम में संशय रहता है, खेती करते हैं हम लोग, ये गाड़ी नहीं देगा इसमें संशय रहता है, व्यापार करते हैं धन लाभ होगा या नहीं होगा इसमें संशय रहता है, विद्यार्थी को संशय रहता है कि फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे कि नहीं, बहुतों को यह भी संशय रहता है पास भी करेंगे कि नहीं, बोर्ड में खड़े होने वाले व्यक्ति को संशय रहता है हमारी जीत होगी, मतलब संसार के प्रत्येक कार्य में संशय रहता है। इसमें संशय नहीं, जब मरेंगे कि नहीं, इसमें संशय नहीं। चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वास, अब जाना तो है, लेकिन कैसे निकलेंगे? जब अभी स्वस्थ हालत में भी इस शरीर से आप निकलने में समर्थ नहीं है, तब आप वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे, करवट भी नहीं।